बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक सुंदर लड़की आती है। पूरे गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उससे सुंदर लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी होती। अरे गोपाल भाई, वो देखो कितनी सुंदर लड़की है भाई, इसे आपसे पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है पास के गांव से आई है। हाँ भाई, मुझे तो इससे पहली नजर में ही प्यार हो गया है, कुछ भी हो जाए मैं इसी से शादी करूंगा। अरे गोपाल भाई, लेकिन ये जंगल की ओर क्यों जा रही है, लगता है रास्ता भटक गई है, चलो हमें इसे रोकना होगा, कहीं ये जंगल में चली गई तो जंगली जानवर इसे कच्चा ही खा जाएंगे, चलो चलो इसकी मदद करते हैं। तभी वो लड़की जंगल की ओर चली जाती है। कुछ दूर जाते ही लड़की की सांस फूलने लगती है, वो सांस नहीं ले पा रही होती। मैं सांस नहीं ले पा रही, क्या करूं, मेरी सांस क्यों फूल रही है। तभी पास में उसे एक कुआं दिखाई देता है, वो भागती हुई जाती है और उस कुएं में कूद जाती है। अरे दैया रे दैया, गोपाल भाई ये कमबख्त तो कुएं में कूद गई, तुम तो शादी से पहले ही विधवा हो गए, अब क्या करें। अरे बेवकूफ, जल्दी चल, हमें उसे बचाना होगा। फिर वो दोनों भागते हुए उस कुएं के पास जाते हैं। रामू देख, तेरी भाभी की जान खतरे में है, तुझे उसे बचाना होगा, चल जल्दी से कुएं में कूद जा। वाह बेटा वाह, शादी का लड्डू तुम खाओ और अपनी जान हम खतरे में डाले, मैं नहीं कूदने वाला इतने गहरे कुएं में। हाँ कमबख्त, तू किसी काम का नहीं है, मुझे ही जाना होगा। फिर गोपाल कुएं में कूद जाता है और लड़की का हाथ पकड़ लेता है। जी आप ठीक तो हैं, आप इस कुएं में क्यों कूद गईं? आप मरना क्यों चाहती हैं? अरे आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी, कहीं आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। जी ये तो मेरा फर्ज था। अरे गोपाल भाई जल्दी से ये रस्सी पकड़ लो, मैं तुम दोनों को ऊपर खींच लूंगा। फिर रामू उन दोनों को रस्सी से ऊपर खींच लेता है। तभी गोपाल उस लड़की से प्यार का इजहार करता है और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। लड़की भी उसकी बहादुरी देखकर उसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है और उनकी शादी हो जाती है। फिर शादी की पहली रात। अरे प्रीतम, आज तो हमारी शादी की पहली रात है, मैंने फिल्मों में देखा है, पत्नी पति के लिए दूध का गिलास लाती है, तुम भी मेरे लिए एक गिलास गर्मा गर्म दूध लाओ ना। जी ठीक है अभी लाई। फिर इतना बोलकर राधा रसोई की तरफ जाती है, तभी उसकी सांस फूलने लगती है। अरे नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही, लगता है मुझे अभी जाना होगा। तभी राधा भागती हुई घर से बाहर निकल जाती है। अरे ई का हो गया, अरे प्रीतम कहाँ भागी जा रही हो, कौनो भूत वूत देख लिया क्या, अरे प्रीतम सुनो। फिर गोपाल भी राधा के पीछे पीछे भागने लगता है। राधा सीधे जंगल की तरफ भागती है। अरे कमबख्त, इतनी रात गए जंगल की तरफ क्यों भाग रही है, जंगल में मंगल करना चाहती है क्या, अरे मर गए रे। अरे प्रीतम सुनो, इतनी रात गए जंगल में जाना ठीक नहीं रहेगा। तभी राधा भागती हुई जाती है और सीधा उसी कुएं में कूद जाती है। अरे मर गए रे, ये क्या, ये नास मिट्टी तो फिर से कुएं में कूद गई, अब क्या करूं। फिर गोपाल भागता हुआ कुएं के पास जाता है। अरे प्रीतम तुम ठीक तो हो, अब क्या करूं। वही कुएं के पानी में कूदते ही राधा की सांस में सांस आती है। शुक्र है थोड़ी सांस तो आई, अब जाकर मेरी जान में जान आई है। अरे प्रीतम तुम ठीक तो हो, लो ये रस्सी जल्दी से पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर गोपाल कुएं में रस्सी डालकर राधा को ऊपर खींच लेता है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, जो फिर से इस कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। राधा गोपाल की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वापस अपने घर लौट जाती है। और फिर अगले दिन
राधा मन ही मन सोचती है, लगता है मुझे इन्हें सब सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं, अगर सच बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इन्हें सच नहीं बता सकती। फिर रात होने पर, अरे प्रीतम, कल की रात तो चौपट हो गई, क्यों ना आज की रात को रंगीन बनाया जाए। जी ठीक है, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म दूध का गिलास लाती हूँ। फिर राधा रसोई में दूध गर्म करने लगती है, तभी उसकी सांस फिर से फूलने लगती है। अरे नहीं, मेरी सांस फिर से फूल रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही, लगता है मुझे अभी पानी में जाना होगा। फिर राधा रसोई से भागती हुई जाती है और गोपाल उसे देखता रह जाता है और वो घर से बाहर निकल जाती है। अरे नहीं, ये नास मिट्टी तो फिर से पीटी उषा बन गई। अरे कमबख्त, अब कहाँ भागे जा रही है। अरे मर गए रे, अब क्या करूं, कहीं ये फिर से उस कुएं में कूदने तो नहीं जा रही। फिर गोपाल भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। अरे नास मिट्टी रुक जा, कहाँ भागे जा रही है, अरे रुक जा रुक जा। राधा गोपाल की एक नहीं सुनती और सीधा उस कुएं में छलांग लगा देती है और कुएं के पानी के अंदर नीचे तक चली जाती है। गोपाल कुएं के अंदर झांकने लगता है। अरे कमबख्त, कहाँ चली गई, आज तो ये कुएं में दिखाई भी नहीं दे रही, अब क्या करूं। अरे प्रियतम, तुम कहाँ हो। तभी राधा पानी के ऊपर आ जाती है। राधा को देखकर गोपाल की जान में जान आती है। शुक्र है भगवान का, मुझे लगा तुम इस गहरे पानी में डूब गई। फिर गोपाल रस्सी फेंक कर राधा को कुएं से ऊपर खींच लेता है और राधा के बाहर आते ही उससे सवाल जवाब करने लगता है। बस राधा, बहुत हो गया, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई, जो रोज रोज इस कुएं में कूद जाती हो। आज तुम्हें मुझे असलियत बतानी ही होगी। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा, तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन रोज रोज अपनी जान देने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझसे शादी करके मुझे एक नया जीवन दिया है, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा, अगर मेरे साथ खुश हो तो फिर रोज रात को अपनी जान क्यों देने चली आती हो इस कुएं के पास। लेकिन राधा गोपाल की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वापस घर की ओर चली जाती है। फिर अगले दिन गोपाल मन ही मन सोचता है, एक काम करूंगा, आज इसे बेड के साथ बांध दूंगा, फिर देखता हूँ ये कैसे कुएं में कूदने जाती है। फिर रात होने पर, जी क्या हुआ, आज आप बड़ी शांति से बैठे हो, आज दूध नहीं मांगोगे। नहीं नहीं, मुझे अब दूध पीना ही नहीं है, मैं जब भी तुमसे दूध मांगता हूँ तुम कुएं में कूद जाती हो। अरे जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं प्रीतम जी, आप सो जाओ, आज आप आराम करो। फिर गोपाल सोने का नाटक करने लगता है और जैसे ही राधा सोती है वो उसके पैर को जंजीर से बांध कर बेड के साथ ताला लगा देता है। अब देखता हूँ अपनी जान कैसे देगी। फिर गोपाल भी चैन की नींद सो जाता है। तभी कुछ देर के बाद राधा की सांस फूलने लगती है, वो जोर जोर से हांफने लगती है। अरे अरे नहीं, मैं सो कैसे गई, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे कुएं में जाना है। फिर राधा जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका पैर तो जंजीर से बंधा हुआ है। अरे नहीं, ये क्या किया आपने, नहीं, अरे नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही, अजी अजी मेरी मदद कीजिए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तभी राधा बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर जाती है और आवाज सुनकर गोपाल की नींद भी खुल जाती है। अरे राधा, क्या हुआ, तुम जमीन पर क्यों बैठी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। जी मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे पानी चाहिए, पानी, बहुत सारा पानी। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए पीने का पानी लाता हूँ। नहीं सर, नहीं, सिर्फ पीने के पानी से कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत सारा पानी चाहिए, मुझे कुएं में ले चलिए, मुझे कुएं में ले चलिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें ले चलता हूँ। तभी राधा की सांस और ज्यादा फूलने लगती है। जी कोई फायदा नहीं, कुआं यहाँ से बहुत दूर है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी, मेरा आखिरी समय आ गया, अब कोई फायदा नहीं है, रहने दीजिए। नहीं नहीं राधा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा,
लेकिन ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम्हारी सांस ऐसे क्यों फूल रही है? तुम्हें तुम्हें सांस लेने के लिए पानी की जरूरत क्यों है? आखिर तुम हो कौन? तभी राधा सांस ना आने की वजह से बेहोश हो जाती है। अरे नहीं राधा, राधा राधा तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो राधा, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा राधा। अरे अरे अब क्या करूं? हाँ एक काम करता हूँ। फिर गोपाल राधा को उठाता है और गांव की नदी की ओर दौड़ पड़ता है। तुम घबराओ नहीं राधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। और फिर कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचते ही राधा को नदी में डाल देता है। राधा नदी के पानी के अंदर डूब जाती है और गोपाल उसे देखता रहता है। अरे राधा तुम ठीक तो हो? राधा तुम कहाँ हो? राधा सांस लो, राधा सांस लो। लेकिन राधा नदी में डूब जाती है और उसका कोई अता पता नहीं होता। नहीं राधा नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। राधा राधा मुझे छोड़कर मत जाओ। राधा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं, मैं भी इस नदी में ही डूब कर अपनी जान दे दूंगा। फिर गोपाल भी उस नदी में कूद जाता है और डूबने लगता है। अरे अरे मर गया, अरे हाय राम, कोई मुझे बचाओ। अरे अरे मर गया। गोपाल पानी में डूब रहा होता है तभी राधा जलपरी बनकर वहाँ पहुँच जाती है। गोपाल राधा को जलपरी के रूप में देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर राधा गोपाल को पकड़ लेती है और नदी के ऊपर ले आती है। अरे बच गया, अरे लेकिन लेकिन ये मैंने क्या देखा? राधा एक जलपरी है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जरूर भ्रम हुआ होगा। लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राधा गोपाल के सामने जलपरी के रूप में खड़ी होती है। गोपाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे नहीं, तुम तो एक जलपरी हो। हाँ हाँ मैं एक जलपरी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी देर के बाद पानी में सांस लेने की जरूरत पड़ती है। मैं ज्यादा देर तक बिना पानी के नहीं रह सकती। इसलिए तुम बार बार कुएं में कूद जाती थी? मुझे लगा तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, इसीलिए अपनी जान देना चाहती हो। जी आप मेरी असलियत जानने के बाद मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? अरे नहीं नहीं राधा, कैसी बातें करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो अब घर चलते हैं। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है राधा की पानी की प्यास और बढ़ती जाती है। अब उसे हर वक्त पानी की जरूरत महसूस होती है। अरे नहीं मैं सांस नहीं ले पा रही।